हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 12th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल टी। लास्ट वीडियो वी डिस्कस द पावर ऑफ पार्लियामेंट। टुडेज टॉपिक इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रेसिडेंट, देयर इज प्रोविजन इन द आर्टिकल 52 of Indian Constitution that there will be a President of India। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में ये व्यवस्था की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। According to Article 53, the executive power of Union would be vested in the President and he himself or by the functionary will use it according to the constitution। The president, vice president, prime minister, cabinet and the attorney general of India are included in the union executive। हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर्स, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशियरी। जो भारत का संविधान है उसके जो आर्टिकल नंबर 53 के अकॉर्डिंग जो भारत का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और अटॉर्नी जनरल मिलकर भारत की जो कार्यपालिका है उसका निर्धारण करते हैं, उसके अंदर ये सभी लोग सम्मिलित होते हैं। द प्रेसिडेंट विल बी द नॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है वो नॉर्मल नॉमिनल यानी कि नाम मात्र का अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का। एंड द प्राइम मिनिस्टर विल द कैबिनेट वो बी द रियल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। जो प्रधानमंत्री और जो उसका मंत्रिमंडल होता है वो वास्तविक अध्यक्ष के रूप में भारत का जो संघ है उसमें वास्तविक अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब जो राष्ट्रपति होता है केवल वो नाम मात्र का होता है, उसकी सभी शक्तियों का जो इस्तेमाल है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडियन यूनियन इज नोन एज द प्रेसिडेंट। जो इंडियन यूनियन है यानी कि भारतीय जो संघ है उसकी जो कार्यपालिका है उसके प्रधान के रूप में हम राष्ट्रपति को मानते हैं। इंडिया इज अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम सिमिलर टू ब्रिटेन इन विच इज द स्टेट्यूटरी हेड एंड द एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर टू डिफरेंट पीपल्स। भारत ने जो संसदीय कार्य प्रणाली को अपनाया है जो कि बिल्कुल ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के अनुसार है, वहाँ पर जो नाम मात्र का अध्यक्ष और जो वास्तविक अध्यक्ष है उसकी जो शक्तियाँ हैं वो दो अलग अलग लोगों में निहित होती है। द प्रेसिडेंट इज द स्टेट्यूटरी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन वर ही होल्ड पोजिशन सिमिलर टू द ब्रिटिश किंग। भारत में जो केवल राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जिस प्रकार ये बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार ब्रिटिश किंग यानी कि जो ब्रिटेन का राजा है वो भी केवल वहाँ पर नाम मात्र का प्रधान होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एंड रिमाइंडेड टू गेट इलेक्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। फर्स्ट, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। ही हैड कम्प्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज और अबाउ, वो कम से कम 35 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। ही होल्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा,
वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ ए पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट ऑफ अंडर एनी लोकल एंड अदर अथॉरिटी कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार के लाभ के पद पर कार्यरत होता है तो वह भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्रेसिडेंट है वो भारत की जो पार्लियामेंट है उसके किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा और ना ही किसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो जो क्वालिफिकेशन है उसमें है द मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, वह संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो। सो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू।